प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट अपनी धर्म प्रेमी छवि के लिए जाने जाते हैं जिसके चलते उन्होंने साल 2023 की शुरुआत मां बगला मुखी के दर्शन कर की इस दौरान प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना के साथ मंत्री सिलावट ने आगामी समय में भाजपा की सरकार बनने के लिए भी प्रार्थना की इसी पर देखिए रिपोर्ट दरअसल मंत्री तुलसी सिलावट शनिवार को ही दतिया पहुंच गए थे जिन्होंने नए साल की शुरुआत मां बगलामुखी की पूजा अर्चना के साथ की इसके बाद महाभारत कालीन वन खंडेश्वर महादेव का पूजन अर्चन किया वही मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री सिलावट ने कहा कि उन्होंने मां पीताम्बरा से प्रदेश की खुशहाली की कामना की और आगामी वक्त में बीजेपी की सरकार बनने की कामना की सबसे पहले तो मैं आपको नए वर्ष की बधाई और जिस पवित्र स्थान पर माँ के चरणों में हम खड़े हैं माई के चरणों में नमन करता और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे वो रिकॉर्ड तोड़ेगी 200 पार करेंगे कम दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ओरछा के प्रसिद्ध राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए पहुंचे और उनसे अपने मन की मुराद मांगी ब्यूरो रिपोर्ट एम न्यूज दतिया